सभी को नमस्कार। खेत में जो हम खाद जो डालते हैं हम, उसका मुख्य कारण है कि सोइल में उस खाद की कमी होना और कितना खाद डालना चाहिए उसके लिए हम जनरली सोइल हेल्थ कार्ड बोल दीजिए या सोइल हेल्थ रिपोर्ट या सोइल न्यूट्रिएंट रिपोर्ट, उसको उसकी आवश्यकता होती है। अगर हमें रिपोर्ट लेनी है तो हम एक लेबोरेटरी जा सकते हैं और वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं, पर हमने काफ़ी जगह देखा है कि लैब अवेलेबल नहीं है या काफ़ी दूर है और सॉइल कलेक्ट करने में काफ़ी एरर्स आती है। जो सैंपल कलेक्ट करने होते हैं खेत में, किस तरह मिक्स करना है, क्या करना है, कितनी डेप्थ पे लेना है, कितने साइज़ का सैंपल लेना है, कैसे सॉइल वो मिक्स करनी है, किस टाइम पे लेना है, तो इस तरह काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जो है, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसके द्वारा हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सॉइल के बारे में भी। तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करके हम सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट या सॉइल हेल्थ रिपोर्ट हमें इमीडिएटली मिल जाती है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टेक्नोलॉजी में अपने खेत की एक बार लोकेशन डालनी पड़ती है और उसके द्वारा आसानी से कितना नाइट्रोजन है, फॉस्फरस है, पोटेशियम है, और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं किसान उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर बाकी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, कितना सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना पीएच वैल्यू है, और इन सब सॉइल रिपोर्ट के बेस पे खेत में फसल के हिसाब से कौन सी खाद डालनी है, कितने डालनी है, किस समय डालनी है, ये सब जानकारियाँ बहुत ही कम समय में, कुछ मुश्किल से 10-15 सेकंड में किसानों को एकदम उपलब्ध हो जाती है।